देखिए, प्रस्तावना में न्याय तीन रूपों में शामिल है, ठीक है? क्या है? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। प्रस्तावना में कितने प्रकार के न्याय दिया हुआ है? तीन प्रकार से अब बिल्कुल ठीक है। कितने प्रकार के न्याय तीन दिए हुआ है? तीन प्रकार के न्याय दिया प्रकार हुआ है, से ठीक है? प्रस्तावना में कितने प्रकार का न्याय है? ठीक है, तीन प्रकार के न्याय। ठीक, कौन कौन सा न्याय है प्रस्तावना में? सामाजिक आर्थिक आर्थिक और राजनीतिक। राजनीतिक। राजनीतिक, ठीक है, ध्यान रखें। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय के बारे में प्रस्तावना में चर्चा किया गया है, ठीक है? आपको इसको ध्यान में रखना है, ठीक है? कौन सा न्याय? तो सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय, राजनीतिक न्याय, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ठीक है? इनकी सुरक्षा मौलिक अधिकारों पर नीति निर्देश सिद्धांतों के विभिन्न उपबंधों के जरिए होती है, ठीक है? तीन प्रकार का न्याय, इसके बारे में सुरक्षा की बात करेंगे, तो इसको मौलिक अधिकार और नीति निर्देश सिद्धांतों के विभिन्न उपबंधों के जरिए भी होती है, ठीक है? सामाजिक न्याय का अर्थ क्या है? तो हर व्यक्ति के साथ जाति, रंग, धर्म, लिंग, आधार पर बिना भेदभाव किए समान व्यवहार बनाना, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। क्या है एक सामाजिक न्याय? सामाजिक न्याय, ये चीज तो आर्टिकल 15 में भी है, ठीक है? इसीलिए क्या है, जो हमारे प्रस्तावना में जो न्याय की बात की गई है ना, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, तो आपको कहीं ना कहीं से फंडामेंटल राइट में, मौलिक अधिकार में और राज्य के नीति निर्देश सिद्धांत में भी आपको देखने को मिलेगा। इसका मतलब समाज में किसी भी वर्ग विशेष के लिए विशेष अधिकारों की अनुपस्थिति एवं अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़े वर्ग तथा महिलाओं की स्थिति में सुधार करना है, ठीक है? सामाजिक न्याय हो गया। आर्थिक न्याय में क्या है? आर्थिक न्याय का, आर्थिक कारणों के आधार पर किसी भी व्यक्ति से भेदभाव नहीं किया जा सकता, ध्यान में रखेंगे। इससे संपदा, आय एवं संपत्ति की असमता को दूर करना भी शामिल है, ठीक है? सामाजिक न्याय और आर्थिक न्याय का मिला जुला रूप, ठीक है, आनुपातिक न्याय को भी परिलक्षित किया गया है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। ये आपको डीपीएसपी में भी आपको देखने को मिलेगा, ठीक है? राजनीतिक न्याय का अर्थ है हर व्यक्ति को समान एवं, ठीक है, राजनीतिक अधिकार प्राप्त होंगे, चाहे वह राजनीतिक दफ्तरों के प्रवेश की बात हो अथवा अपनी बात सरकार तक पहुंचाने का अधिकार हो, तो आपका राजनीतिक न्याय होगा। सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय कहाँ से लिया गया? तो इन तत्वों का रूसी क्रांति से लिया गया। रूसी क्रांति कब हुआ था? तो 1917 में हुआ था। जिस समय रूसी क्रांति था हुआ था उस समय रूस का शासक कौन था, बताइए? क्या नाम था उसका शासक का? जार निकोलस टू। वेरी गुड। क्या नाम था रूस का शासक का नाम? था जार निकोलस। आपसे क्या पूछेगा, क्या पूछेगा? बताइए, प्रस्तावना में कितने प्रकार की न्याय की चर्चा की गई है? प्रकार तीन प्रकार का। कौन कौन सा न्याय है? राजनीतिक सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक सर। न्याय, ठीक है। सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय को कहां से लिया गया है? रूस की क्रांति से, उन्नीस रूस की क्रांति से ले गया। रूस की क्रांति कब हुई थी? तो सौ सत्रह सौ में सत्रह सर, सत्रह हुई थी रूस की सत्रह में। क्रांति, तो 1917 में हुई थी। याद रहेगा कि भूल जाएंगे, ठीक है? याद रखेगा, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय कहाँ से लिया गया? तो ध्यान में रखेंगे, रूस, रशियन रेगुलेशन से लिया गया। ये हमारा प्रस्तावना है। अगर पूछेगा हमारे संविधान में सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय कहाँ कहाँ पे दिखेगा, तो प्रस्तावना में दिखेगा, मौलिक अधिकार मौलिक फंडामेंटल राइट में दिखेगा, डीपीएसपी, डायरेक्टिव, डायरेक्टिव पॉलिसी ऑफ, क्या प्रिंसिपल होता है प्रिंसिपल, क्या होता है, डायरेक्टिव जो भी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, ठीक है, स्टेट राज्य के नीति पॉलिसी निर्देशक की। सिद्धांत, ठीक है, उसमें आपको दिख जाएंगे, ठीक है, सभी जगहों पे दिखेगा, ठीक है, समझ गया? इलाहाबाद की स्वतंत्रता, स्वतंत्रता का क्या? लोगों की गतिविधियों पर किसी प्रकार की रोक टोक अनुपस्थित तथा साथ ही व्यक्ति के विकास के अवसर भी प्रदान करना, ठीक है, ये स्वतंत्रता है, ठीक है। प्रस्तावना हर व्यक्ति के लिए मौलिक अधिकारों के जरिए अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना की स्वतंत्रता, ठीक है, करती है। कितने प्रकार की स्वतंत्रता की बात की गई है? कौन पांच प्रकार कौन स्वतंत्रता है? के, अभिव्यक्ति, अभिव्यक्ति, विश्वास, 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 उपासना धर्म और उपासना, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता सर। के स्वतंत्र। धर्म उपासना की स्वतंत्रता, एक स्वतंत्रता और कौन छूट रहा है जिसमें नहीं दिया? पांच प्रकार की स्वतंत्रता है ना प्रस्तावना बोलने वाला, में, जो स्वतंत्र कहा गया प्रस्तावना ऊपर दिया होगा। चलिए देखेंगे, न्याय विचार सर, क्या है सर? तो दिया अभिव्यक्ति, ठीक है, विचार समझना, जो सामाजिक, आर्थिक, राजनीति राजनीतिक न्याय, विचार की स्वतंत्रता है, ठीक है, अभिव्यक्ति की। धर्म, हाँ बिल्कुल, धर्म उपासना एक हो गया, धर्म 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 विश्वास उपासना तीन, अभिव्यक्ति और विचार, विचार की स्वतंत्रता, ठीक है, ध्यान रखें, पांच प्रकार की स्वतंत्रता है, ठीक है।
वही मैं कह रहा था, ठीक है। कितनी प्रकार के? पांच प्रकार की स्वतंत्रता है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। चलिए बात करेंगे, हो गया, अब चलेंगे। जैसा कि प्रस्तावना में कहा गया कि भारतीय लोकतांत्रिक व्यवस्था को सफलतापूर्वक चलाने के लिए स्वतंत्रता परम आवश्यक है। हालांकि स्वतंत्रता का अभिप्राय यह नहीं कि हर व्यक्ति कुछ भी करने का लाइसेंस मिल गया हो, ठीक है। स्वतंत्रता के अधिकार का इस्तेमाल संविधान में लिखी हुई सीमाओं के भीतर ही मतलब किया जा सकता है। संविधान के सीमा से बाहर निकल के आप स्वतंत्रता का प्रयोग नहीं कर सकते, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। इसलिए स्वतंत्रता, भारतीय संविधान के जो स्वतंत्रता दिया गया, मूल रूप से निरपेक्ष है कि सापेक्ष है? निरपेक्ष है कि सापेक्ष है? हमें जो निरपेक्ष स्वतंत्रता जो मिला, निरपेक्ष नहीं है, सापेक्ष है। मतलब निरपेक्ष जो होगा वो कभी भी रोक उसमें नहीं लगाया जा सकता, ठीक है। सापेक्ष पे रोक लगाया जाता है, जैसे कि से जब 352 लागू होता है, ठीक है, तो 358 359 के तहत स्वतंत्रता का क्या हो जाता है? तो मोए मोए नहीं हो जाता, इसमें कहानी नहीं समाप्त हो जाता स्वतंत्रता का 358 और 359 के तहत, ठीक है। मौलिक अधिकार क्या होता है? आपका स्वतंत्रता देता, समाप्त हो जाता है। तो इसलिए हमारा स्वतंत्रता जो हमें जो मिली है संविधान के तहत, संविधान के सीमा के अंदर में रह के स्वतंत्रता का प्रयोग करना, ना कि अपने मनमाने ढंग से करना है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। इसलिए स्वतंत्रता को कहाँ भाग गया ये, स्वतंत्रता को रोक भी लगाया जा सकता है, ठीक है। देखेंगे संक्षेप में कहा जाए कि प्रस्तावना पर स्वतंत्रता एवं मौलिक अधिकार मतलब शर्त रहित है, शर्त के हिसाब से दिया गया। हमारी प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समता और बंधुत्व के आदर्शों को कहाँ से लिया गया है? फ्रांसीसी फ्रांसीसी क्रांति से। क्रांति से लिया, जिस समय फ्रांसीसी क्रांति हुआ वहां का शासक कौन था? क्वेश्चन ध्यान में रखेंगे, आया आप था सर चलते एक बार हैं। ब्याज दरोगा में, अच्छा आया था, लुईस चलिए सोलहवां आगे किस चलेंगे। राजवंश का समता, था? तो लुईस सोलहवां जो था बुर्बो राजवंश का शासक था। चलिए पूछ लिए तो चलिए हम बता देते हैं, ठीक है। किस वंश का था? क्वेश्चन बुर्बो राजवंश का था, पूछेंगे तो मैं बता खराब दूंगा, था। ठीक है। चलिए वर्ल्ड हिस्ट्री आप लोगों को नहीं पढ़ना, नहीं तो वर्ल्ड हिस्ट्री बहुत ही मजेदार हम पढ़ाते हैं, ठीक है। चलिए आप चलेंगे, क्या है तो यहाँ पे देखेंगे क्या है। आप चलते हैं, यहाँ पे क्या था? समता, ठीक है। समता का अर्थ है समाज के किसी भी वर्ग के लिए विशेष अधिकारों की अनुपस्थिति और बिना किसी भेदभाव के हर व्यक्ति को समान अवसर प्रदान करने का उपबंध, उसको समता कहते हैं, ठीक है। हमारे पास क्या? समता का अधिकार है। लेकिन भाई साहब, समता का अधिकार भी एक निरपेक्ष नहीं है, सापेक्ष है। मतलब भेदभाव किया जा सकता है, लेकिन भेदभाव मतलब क्या होना चाहिए? तो भेदभाव मतलब जो होना चाहिए वैलिड भेदभाव होना चाहिए। अब वैलिड भेदभाव क्या होगा? महिलाओं और पुरुष, महिलाओं को विशेष सुविधा देना, पुरुषों को उनके तुलना में नहीं देना, बच्चों को विशेष सुविधा देना, वैलिड भेदभाव है, ठीक है। इसकी जांच करने के लिए हमारे पास न्यायालय है। भारतीय संविधान प्रस्तावना हर नागरिक को स्थिति और अवसर की स्वतंत्रता प्रदान करता है। इस उपबंध में समता के तीन आयाम है, ठीक है, नागरिक, राजनीतिक और आर्थिक, ठीक है। मौलिक अधिकारों में हम निम्न प्रावधान पे नागरिक समता को सुनिश्चित करते हैं। विधि के समय समता कितने है? 14 कहां से लिया गया विधि के समय समता? कहां से लिया गया है? अरे सभी लोग बोलिए। यूके से लिया गया। कहाँ से लिया गया? यूके से लिया गया। धर्म, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर मूल वंश का निषेध, मूल वंश के आधार पर किसी भी के साथ भेदभाव नहीं कर सकते, निषेध किया गया किसमें है? अंतिम आर्टिकल्स 15 पंद्रह से। में। लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता, सरकारी नौकरी, अभी कोई भी सरकारी भर्ती निकलेगी, 16 में है। अस्पृश्यता का अंत है, ठीक है। अस्पृश्यता का अंत किसमें है? ये भाई साहब, ये जो है ना निरपेक्ष है। ये आर्टिकल्स कैसा है? निरपेक्ष, मतलब निरपेक्ष। किसी भी आधार पे तू तू मैं नहीं है, ठीक है। अस्पृश्यता मतलब अस्पृश्यता, ठीक है। कोई भी आधार नहीं है जिस अधिकार पे इसको काटा जाएगा। बोलोगे सर मतलब क्या ये सबको काटा जाएगा? बिल्कुल ये सबको काटा जाएगा। विधि के समय समता, बोलोगे सर विधि के समय तो सबको समता है। तो हम बोलेंगे भाई साहब, राष्ट्रपति या राज्यपाल को विधि के समय समता से बाहर रखा गया है। राष्ट्रपति अपने पद पे रहते हुए आपकी हत्या भी कर दे तो आप उनको सजा नहीं दे सकते हो, ठीक है। धर्म, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं होता है? होता है, बिल्कुल होता है। जाति के आरक्षण आधार पर तो भेदभाव होता होता है, आरक्षण, वरक्षण, लिंग के आधार पर भेदभाव, महिलाओं को ज्यादा सुविधा दे दे तो पुरुष को कम देते। आप जन्म स्थान के आधार पर फिर यूपी पे फॉर्म जाके भरेंगे तो आप हो है। जाएंगे जनजाति वाला सर। जनरल में, बिल्कुल हाँ। तो इसके आधार पर भेदभाव। लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता होती है? बिल्कुल नहीं होती है भाई। बिहार सरकार बोले 65% आरक्षण देंगे, ठीक है, जो ओबीसी को 27%, इसमें भी तो भेदभाव हो रहा है ना। देखिए अस्पृश्यता में कोई लेकिन तू तू मैं नहीं, अगर अस्पृश्यता की बात है किसी के साथ भी हो, इसके साथ कोई कंडीशन नहीं है, ठीक है। जैसे पहला छुआछूत किसे आर्टिकल्स कहते है, हैं ठीक है। पहला आर्टिकल सजा का प्रावधान दिया गया है, ठीक है। जो विक्टिम जो होंगे उनके द्वारा कहा हुआ बात को ही मतलब वैलिड माना जाएगा, ठीक है।
दूसरी बात, अस्पृश्यता का कानून इतना खराब कानून है, जो भी कानून मतलब जो भी न्यायालय के पास जो केसेस वगैरह जाते हैं ना, तो उसमें जो लोग जो केसेस जो जिनके खिलाफ होते हैं, जिनके खिलाफ होते तो न्यायालय उनको मान के चलती है से ये आदमी निर्दोष है, ठीक है। सामने वाला जो जो वकील होता है उनको साबित करना पड़ता है ये मतलब क्या, ये व्यक्ति को साबित कर ये आदमी दोषी है। जबकि अस्पृश्यता के मामले में जिनके खिलाफ अस्पृश्यता का केस होता है उनको शुरू से ही मतलब न्यायालय समझ के चलती है इस व्यक्ति ने जरूर ऐसा काम किया ही होगा, ठीक है। ध्यान, उपाधियों कांड की बात करें, उपाधियों का अनुच्छेद 18 में, ठीक है, ये भी मतलब ये निरपेक्ष आर्टिकल्स नहीं है, क्योंकि आप उपाधि को अंत कर रहे हो, एक तो भारत रत्न पद्म विभूषण पद्म भूषण दे रहे हो, हालांकि आप इसको अवार्ड कहते हो लेकिन इसको परिभाषा तो कहीं पे नहीं किया गया है, नहीं ना। संविधान में ऐसे दो उपबंध जो राजनीतिक समता को सुनिश्चित करते प्रतीत होते, प्रथम है कि धर्म, जाति, लिंग अथवा वर्ग के आधार पर किसी भी व्यक्ति को मतदाता सूची में शामिल होने अयोग्य करार नहीं दिया जाएगा, अनुच्छेद 325। अनुच्छेद दूसरा क्या है, लोकसभा और विधानसभाओं के लिए वैश्विक मतदान का प्रावधान 326। दोनों को, दोनों आर्टिकल जो बहुत है यूनिवर्सल, क्या बोलते हैं उसको यार, मतलब सार्वभौमिक मताधिकार को इंग्लिश में क्या, यूनिवर्सल सरफेस क्या बोलते हैं उसको, ठीक है, किस आर्टिकल्स में थे, 326 में है, ठीक है, किसमें है, 326 में है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। मतदाता सूची बनाना, मतदाता सूची बनाने के संदर्भ में जाति, धर्म, लिंग अथवा किसी के आधार पर कोई भेदभाव नहीं, मतदाता सूची कितने है, 325 में है, ठीक है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत अनुच्छेद 39, महिला तथा पुरुष को जीवन यापन के लिए पर्याप्त साधन और समान कार्य के लिए समान वेतन देने का भी प्रावधान करता है, किसमें है, 39 में, ठीक है, 39 में, महिला तथा पुरुष को जीवन यापन के लिए पर्याप्त साधन और समान कार्य के लिए समान वेतन देने का भी मतलब प्रावधान करता है, ठीक है। निःशुल्क, निःशुल्क क्या है वो, निःशुल्क वाला किसमें है, निःशुल्क लीगल एडवाइस उनचालीस किसमें है, थर्टी नाइन ए, के ए सौ में में, डी सर में क्या है, 39 के डी में, समान कार्य के लिए समान वेतन किसमें है, डी में है क्या, हाँ दे में सर सर चेक कीजिए ना, 39 के डी में कौन सा आर्टिकल्स है। अब आता है फ्रेटरनिटी, फ्रेटरनिटी मतलब भाईचारा, बंधुत्व का अर्थ है भाईचारे की बंधुत्व। भावना। संविधान एकल नागरिकता के एक तंत्र के माध्यम से भाईचारे की भावना को प्रोत्साहित करता है। मौलिक कर्तव्य का 51 कवि कहते हैं कि हर भारतीय नागरिक का कर्तव्य होगा कि धार्मिक, भाषाई, क्षेत्रीय अथवा वर्ग विविधताओं को ऊपर उठकर सौहार्द और आपसी भाईचारे की भावना को प्रोत्साहित करे। प्रस्तावना कहती है बंधुत्व को दो बातों से सुनिश्चित करना होगा, पहला व्यक्ति का सम्मान, दूसरा देश की एकता। अखंडता शब्द, ठीक है, अखंडता शब्द, ठीक है, ध्यान रखें, शब्द को 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा जोड़ा गया, ठीक है। भाईचारे की शब्द की बात करें, फ्रेटरनिटी की शब्द की बात करेंगे, तो ये भी आपको फ्रेंच रेवोल्यूशन से ही लिया गया है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। कब जोड़ा गया था, तो ध्यान रखेंगे, प्रस्तावना कहती है कि बंधुत्व में दो बातों को सुनिश्चित करता, पहला व्यक्ति का सम्मान और दूसरा देश की एकता और अखंडता। अखंडता शब्द को 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा प्रस्तावना में जोड़ा गया था। कौन कौन सा शब्द जोड़ा गया था, अखंडता जोड़ा गया था, धर्मनिरपेक्ष शब्द को जोड़ा गया था, एक समाजवादी शब्द को भी जोड़ा गया था, ठीक है, ध्यान में रखना है। आप चलेंगे संविधान सभा के प्रारूप समिति के सदस्य के एम मुंशी के अनुसार व्यक्ति के गौरव का अर्थ यह है कि संविधान न केवल वास्तविक रूप में भलाई तथा लोकतांत्रिक तंत्र की मौजूदगी सुरक्षित करता, बल्कि यह भी मानता है कि हर व्यक्ति का व्यक्तित्व पवित्र है। इस पर किसी व्यक्ति के गौरव का सुनिश्चित करने का मौलिक अधिकार नीति तत्वों के कुछ प्रावधानों पर बल देते हैं। इसके अलावा मौलिक कर्तव्य 51 में कहा गया कि भारत के हर नागरिक की जिम्मेदार होगी कि वो महिलाओं के गौरव को ठेस पहुंचाने वाले किसी भी हरकत का त्याग करे और भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की मतलब क्या करे, तो रक्षा करे, ठीक है, ध्यान रखेंगे। देश की एकता और अखंडता पद में राष्ट्रीय अखंडता के दोनों मनोवैज्ञानिकों सियामी आयाम, सीमाई आयाम शामिल है। संविधान के अनुच्छेद 1 में राज्यों का वर्णन राज्यों के संघ के रूप में किया जाता है, ठीक है, ध्यान रखें, भारत क्या है, भारत क्या है, राज्यों का संघ है, आर्टिकल 1, ताकि ये बात स्पष्ट हो गया कि राज्यों को संघ से अलग होने का कोई अधिकार नहीं है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। इससे भारतीय संघ की बदली न जा सकने वाली प्रकृति का परिलक्षण होता है। इसका उद्देश्य राष्ट्रीय अखंडता के लिए बाधक सांप्रदायिकता, क्षेत्रवाद, जातिवाद, भाषावाद इत्यादि जैसे बाधाओं का मतलब क्या पाना है, पार पाना है, ठीक है। इन सारे चीजों का आपको क्या रखना है, ध्यान रखना है, अखंडता शब्द बहुत ही मैटर करता है संविधान में, ठीक है, ये हमारे प्रस्तावना का मूल अंग है, ये भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। अखंडता शब्द को कब जोड़ा गया था, 76 में 42वां संशोधन,
बिल्कुल ठीक है, इसको आपको ध्यान में रखना है। बैसवा संविधान संशोधन 1971 के द्वारा मतलब इस शब्द को जोड़ा गया था, ठीक है, इसको आपको ध्यान में अच्छा रखना है, ठीक है। अब आगे चलेंगे, प्रस्तावना का महत्व क्या है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, प्रश्न यही से बनते हैं, भारतीय संविधान में प्रस्तावना को महत्व। एक सिंपल क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, प्रस्तावना को संविधान का कुंजी किसने कहा था? चलिए, परिचय पत्र किसने कहा? परिचय पत्र तो बताया मैंने ना, पनिक्कल पालकी कुंजी कहने के लिए वाला ने परिचय पत्र कहा था, सॉरी कुंजी। सॉरी, हाँ परिचय पत्र कुंजी किसने कहा कहा था था? पालकी जॉन परिचय पत्र आपका इसने किया था, क्या नाम है? मुंशी साहब, ठीक है, मुंशी मुंशी साहब, ठीक है, मुंशी मुंशी। साहब, हूँ, हाँ आईडी मुंशी कार्ड। साहब ने क्या कहा था? परिचय पत्र कहा था, ध्यान में रखेंगे। अब प्रस्तावना का महत्व देखेंगे, संविधान में उस आधारभूत दर्शन और राजनीतिक, धार्मिक एवं नैतिक मौलिक मूल्यों का उल्लेख है जो हमारे संविधान के आधार है। प्रस्तावना में क्या चीज का उल्लेख है, ठीक है, प्रस्तावना बहुत पवित्र है। प्रस्तावना में उस आधारभूत दर्शन और राजनीतिक, धार्मिक एवं नैतिक मौलिक मूल्यों का उल्लेख है जो हमारे संविधान के आधार है। इसमें संविधान सभा की महान और आदर्श सोच उल्लेखित है। इसके अलावा यह संविधान के नींव रखने वाले के सपनों अभिलाषाओं का अभिलक्षण करती है, मतलब हमारा संविधान सभा के लोग जिन्होंने संविधान को बनाया वो कैसा संविधान चाहते थे, इसका सारे चीज आपको कहाँ पे दिखेगी? तो सारे चीज आपको कहाँ दिखेगी? प्रस्तावना में ही दिखेगी। संविधान बनाने वाला का, ठीक है, दीर्घकालीन संविधान कैसा होना चाहिए, कहाँ दिखेगी? प्रस्तावना में दिखेगी। संविधान निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले संविधान सभा के अध्यक्ष प्रहलादी कृष्ण स्वामी अय्यर के शब्द में, संविधान की प्रस्तावना हमारे दीर्घकालीन सपनों का विचार है। संविधान की प्रस्तावना में दीर्घकालीन सपनों का विचार है, किसने कहा था? अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर ने कहा था। किसने कहा था? जो संविधान सभा के, ठीक है, संविधान निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले संविधान सभा का अध्यक्ष, ठीक है, सर अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर के शब्दों में, संविधान प्रस्तावना सभा के दीर्घकालीन सपनों का मतलब क्या है? विचार है, इंपोर्टेंट है। संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष के एम मुंशी को, प्रस्तावना में संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य का भविष्य फल है, ठीक है, मुंशी साहब ने कहा था। संविधान सभा के अन्य सदस्य पंडित ठाकुर दास भार्गव ने संविधान सभा का समर्थन, ये इंपोर्टेंट है, ठीक है, ठाकुर दास भार्गव ने संविधान सभा के बारे में कहा था, प्रस्तावना संविधान का सबसे सम्मानित भाग है, ठीक है। ठाकुर दास भार्गव ने प्रस्तावना के बारे में क्या कहा था? ये संविधान का सबसे सम्मानित भाग है, ठीक है, ये संविधान की आत्मा है। संविधान की आत्मा किसने कहा था? ठीक है, ठाकुर दास भार्गव ने, ठीक है, संविधान का कुंजी भी इन्होंने कहा था, संविधान का आभूषण भी कहा था, यह उचित स्थान जहां से कोई भी संविधान का मूल्यांकन कर सकता है। ठाकुर दास भार्गव तो ज्यादा मतलब क्या हो जाते हैं, भावुक हो जाते हैं भार्गव साहब, और कहते हैं संविधान की आत्मा है, ये संविधान की कुंजी है, संविधान का आभूषण है, यह एक उचित स्थान है जहां कोई भी संविधान का मूल्यांकन कर सकता है। ये शब्द किसके है? ठाकुर दास भार्गव का है, ठीक है। अनसेट वारकर की बात करेंगे तो सुप्रसिद्ध अंग्रेज राजनीतिक शास्त्री सर अनसेट वारकर संविधान की प्रस्तावना लिखने वालों को राजनीतिक बुद्धिजीवी कहकर अपना सम्मान देते हैं, ठीक है, उन्होंने मतलब क्या कहा इनको? राजनीतिक बुद्धिजीवी कहा। वह प्रस्तावना संविधान को कुंजी नोट कहते हैं, ठीक है, संविधान का कुंजी नोट की बात करेंगे तो अनसेट वारकर ने कहा, जो कि मतलब क्या था, ब्रिटिश मतलब क्या था, संविधानविद था, ठीक है, ध्यान रखेंगे, राजनीतिक शास्त्री कह लीजिए, ठीक है। बात कहेंगे, वह प्रस्तावना के पाठ से इतने प्रभावित है कि उन्होंने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक प्रिंसिपल ऑफ सोशल एंड पॉलिटिक्स थ्योरी की शुरुआत में इसका उल्लेख किया, ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ, ठीक है, सोशल एंड पॉलिटिकल थ्योरी किनकी पुस्तक है? तो अनसेट वारकर की पुस्तक है। इन्होंने 1951 में जब अपनी पुस्तक लिखी तो उन्हें भारतीय, ठीक है, भारतीय प्रस्तावना का भूरी भूरी प्रशंसा का किया है। अब प्रस्तावना को लिखने वालों का राजनीतिक बुद्धिजीवी जैसा शब्द से इन्होंने क्या कहा, सुशोभित किया है, सम्मान की दृष्टि से कहते हैं, ठीक है। भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश एम हिदायतुल्ला मानते हैं कि प्रस्तावना अमरीका की स्वतंत्रता की घोषणा के समान है, ठीक है, अमरीका की स्वतंत्रता की घोषणा जो हुई थी, आई थिंक जहां तक मुझे याद है 1776 में हुई थी, फिलाडेल्फिया नाम का एक जगह था, वहीं पे अमेरिका की स्वतंत्रता की घोषणा जेफरसन के द्वारा की गई थी, ठीक है, जेफरसन के द्वारा, एक बार चेक कर लीजिएगा इस फैक्ट को जो मैं बता रहा हूँ, 1776 जेफरसन, ठीक है, उसी के समान मतलब इन्होंने माना है, लेकिन यह घोषणा से भी ज्यादा है, यह हमारे संविधान की आत्मा है जिससे हमारे राजनीतिक और तौर तरीकों को दर्शाया गया है, ठीक है, इससे गंभीर संकल्प शामिल, इसे क्रांति के परिवर्तित कर सकती है, जिसे जिन्हें क्रांति ही परिवर्तित कर सकती है, इतना महत्वपूर्ण हमारा प्रस्तावना है, ठीक है। हम यहाँ पे देखें संविधान के एक भाग के रूप में मतलब प्रस्तावना, ठीक है, अमेरिकी घोषणा नहीं चेक किया आप लोग, संविधान के एक भाग के रूप में प्रस्तावना की बात करेंगे तो प्रस्तावना को लेकर विवाद है कि क्या यह संविधान का भाग है, आपके हिसाब से क्या संविधान का भाग है कि नहीं सब प्रस्तावना, उसके बारे में हाँ देखेंगे।
देखेंगे बेरुवारी संघ मामला, ठीक है। बेरुवारी संघ मामला 1960 में उच्चतम न्यायालय ने प्रस्तावना को संविधान में निहित सामान्य प्रयोजनों को दर्शाता है, इसलिए संविधान निर्माताओं के मस्तिष्क के लिए कुंजी है। इसके अतिरिक्त अनुच्छेद में प्रयोग में कई व्यवस्थाओं में अनेक अर्थ निकलते हैं। इस व्यवस्था के उद्देश्य को प्रस्तावना में शामिल किया गया। प्रस्तावना की विशेषता को स्वीकारने के लिए इस उद्देश्य के बारे में व्याख्या करते हुए उच्चतम न्यायालय का प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। 1960 में केस हुआ बेरुवारी संघ मामला में, प्रस्तावना को संविधान का भाग नहीं माना गया, याद रखिएगा। 13 वर्षों के बाद एक केस आती है, केरल के एक महंत है जिनका नाम था केशवानंद भारती। उच्चतम न्यायालय ने पूर्व व्याख्या को अस्वीकार करते हुए व्यवस्था दी कि प्रस्तावना संविधान का एक भाग है। बेरुबारी वाले मामलों में बोला से भाई साहब संविधान में प्रस्तावना का मतलब महत्व तो है लेकिन भाग नहीं है, जबकि उन्होंने पिछले वाले मामलों को पलट दिया। 1973 में माना से मतलब क्या, उच्चतम न्यायालय ने पूर्व व्याख्या को अस्वीकार कर दिया और ये व्यवस्था की कि प्रस्तावना संविधान का एक अंग है। ये महसूस किया गया कि प्रस्तावना संविधान की अति महत्वपूर्ण हिस्सा है और संविधान की प्रस्तावना में उल्लेखित महान विचारों को ध्यान में रखकर संविधान का अध्ययन किया जाना चाहिए। LIC ऑफ इंडिया मामले 1995 में पुनः उच्चतम न्यायालय ने व्यवस्था की कि संविधान प्रस्तावना का आंतरिक हिस्सा है। ध्यान में रखेंगे 1995 में LIC मामले, LIC ऑफ इंडिया के मामले में भी प्रस्तावना को संविधान का महत्वपूर्ण हिस्सा के रूप में माना गया था। 1973 जो केशवानंद भारती वाला केस में, यह भी मतलब बेसिक स्ट्रक्चर का केस था, इसमें भी मतलब संविधान को मतलब क्या माना गया था, सॉरी प्रस्तावना को संविधान का हिस्सा माना गया था। जबकि 1960 में जो केस जो आई थी बेरुवारी संघ मामला, इसे उच्चतम न्यायालय ने संविधान को निहित सामान्य प्रयोजनों को दर्शाता और इसलिए संविधान निर्माता के मस्तिष्क के लिए कुंजी है, ठीक है, महत्वपूर्ण भाग तो माना लेकिन संविधान का प्रस्तावना को संविधान का हिस्सा नहीं माना, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। संविधान के अन्य भागों की तरह संविधान सभा ने प्रस्तावना को भी बनाया, परंतु तब जबकि अन्य भाग पहले से ही बनाए जा चुके थे, प्रस्तावना को अंत में शामिल किए जाने के कारण यह था कि इसे सभा द्वारा स्वीकार किया गया। जब प्रस्तावना पर मत व्यक्त किया जाने लगा तो संविधान सभा के अध्यक्ष ने कहा, प्रश्न यह है कि प्रस्तावना संविधान का भाग है, इस प्रस्ताव को तब स्वीकार कर लिया गया लेकिन उच्चतम न्यायालय द्वारा वर्तमान मत दिए जाने के बाद प्रस्तावना को संविधान का भाग है, इस संविधान का जनगों का मत के सामान्यता रखता है, ठीक है। वर्तमान स्वरूप में अगर पूछेगा कि प्रस्तावना संविधान का भाग है तो आप बोलेंगे बिल्कुल प्रस्तावना संविधान का भाग है। बोले कैसे भाग है, तो बोलेगा 1973 में केस आया था केशवानंद भारती, ठीक है, उसमें बोला गया था भाई साहब संविधान का प्रस्तावना क्या भाग है, ठीक है। और जब भाग है तो भाई साहब भाग है तो संसद इसमें संशोधन भी कर सकती है, बिल्कुल कर सकती है, लेकिन संसद संशोधन करके क्या इसको खराब कर देगी, नहीं करेगी। मतलब प्रस्तावना अगर घर है, प्रस्तावना अगर घर है, ठीक है, तो संसद इसमें संशोधन करेगी तो इसमें प्लास्टर करेगी, टाइल्स लगाएगी, ठीक है, ऐसा नहीं कि नीचे का ईंटा आएगा आपका देगी ताकि पूरा घर ही गिर जाए, ठीक है, तो ऐसा काम नहीं करेगी, ठीक है, इसमें प्लास्टर करेगी, इसमें पुट्टी करेगी, इसमें संगमरमर लगा देगी, इसमें टाइल्स लगा देगी, इसको और सुंदर कर देगी। वही काम 1976 में किया गया, प्रस्तावना से कोई शब्द को गायब नहीं किया गया बल्कि कुछ शब्द को इसमें जोड़ दिए गए, ठीक है, ध्यान रखेंगे। मतलब संशोधन तो कर सकती है लेकिन प्रस्तावना में से किसी शब्द को गायब नहीं कर सकती है, प्रस्तावना के मूल सिद्धांतों को, बेसिक थ्योरी को संसद को हटाने की पावर क्या है, नहीं है। जबकि 1967 वाले मामले में क्या कहा भाई साहब, जो संविधान का 1960 वाले मामले में जब संविधान का प्रस्तावना भाग ही नहीं है, पाठ ही नहीं, तो संसद इस पर संशोधन भी नहीं कर सकती है, ठीक है, 1960 में। देखो 1973 में सीधे मामला पलट गया, सारी चीजें पलट पलट गई और इसको फिर जस्टिफाई कर दिया 1995 वाला केस। कौन सा केस था 1995 में, कौन सा केस था 1995 में? इसी LIC ऑफ इंडिया सर, LIC इंडिया, LIC ऑफ इंडिया वर्सेस भारत, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ठीक है, याद रखा कि जैसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है, जैसे कि किसान आई थिंक भारती से प्रश्न, इंपॉर्टेंट है। हाँ, ये सारे कॉन्सेप्ट कंप्लीट हो जाएंगे। अब देखिए दो तत्व लिए प्रस्तावना न तो विधायिका की शक्ति का स्रोत है, नहीं उनके शक्ति पर प्रतिबंध भी लगाती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या प्रस्तावना विधायिका को शक्ति का स्रोत है, तो नहीं है। क्या प्रस्तावना विधायिका के ऊपर प्रतिबंध लगा सकती है, नहीं लगा सकती है, ठीक है। क्या प्रस्तावना न्यायिक है, तो नहीं है न्यायिक। क्या है प्रस्तावना, गैर न्यायिक है, इसीलिए इसको इसके व्यवस्था को लागू करने के लिए न्यायालय में चुनौती भी नहीं दे सकते है,
ठीक है, ध्यान में रखेंगे, इम्पोर्टेंट फैक्ट था इसलिए इसको रट लीजिए। एग्जाम में आए दिन इसे प्रश्न धड़ल्ले से पूछे जाते हैं प्रस्तावना से, ठीक है, इसलिए आपको याद होना चाहिए। ठीक है, प्रस्तावना गैर न्यायिक है, न्यायालय में लेके नहीं जा सकते, विधायिका को शक्ति भी नहीं देती है, विधायिका के शक्ति पे प्रतिबंध भी नहीं लगा। सब मैं विधायिका शब्द का प्रयोग कर रहा हूँ देवियों सजनो, तो इसे ठीक है नीतीश चाचा के विधायक मत समझ लीजिएगा। विधायक का मतलब क्या होता है, वैसा जो कानून बनाता है, कानून को हमारे संसद कानून बनाती है, राज्यसभा के सदस्य भी विधायिका के हिस्सा हो सकते हैं, लोकसभा के सदस्य भी विधायिका के हिस्सा हो सकते हैं, ठीक है ध्यान में रखेंगे, और विधानसभा के सदस्य भी विधायिका के हिस्सा हो सकते हैं। ठीक है, विधायिका का मुख्यतः क्या होता है, कानून बनाना होता है, ठीक है ध्यान में रखेंगे। खत्म ही है, यहीं पे है, खत्म है, इसलिए इसको खत्म करूंगा। प्रस्तावना में संशोधन की संभावना क्या, क्या प्रस्तावना संविधान की धारा 368 के तहत संशोधन किया जा सकता है, यह प्रश्न पहली बार ऐतिहासिक केस केशवानंद भारती मामले में उठा। यह विचार सामने आया कि इसमें संशोधन नहीं किया जा सकता क्योंकि संविधान का भाग नहीं है, जो बात मैं आपको ऊपर कह रहा था। याचिकाकर्ता ने कहा कि अनुच्छेद 368 के जरिए संविधान के मूल तत्व, मूल विशेषताओं को जो कि प्रस्ताव में उल्लेखित है, ध्वस्त करने वाले संशोधन नहीं किया जा सकता। समझ लो, ये घर बना के जो आपको दिखाया से नीचे का ईटा जो है, नींव जो है, उसको नहीं खत्म करेंगे, नींव को खत्म करेंगे तो प्रस्तावना पूरा क्या होगा, घर ही गिर जाएगा। ठीक है, हालांकि उच्चतम न्यायालय ने व्यवस्था की प्रस्तावना संविधान का एक भाग है, न्यायालय ने यह मत बेरुबारी संघ 1960 के तहत दिया और कहा कि पूर्व में इस केस में संदर्भित निर्णय गलत था। कहा कि प्रस्तावना को संशोधित किया जा सकता है बशर्ते मूल विशेषताओं में संशोधन नहीं किया जा सकता है। दूसरे शब्दों में न्यायालय ने व्यवस्था दी कि प्रस्तावना में निहित मूल विशेषताओं का अनुच्छेद 368 के तहत संशोधन नहीं किया जा सकता। अब तक प्रस्तावना में केवल एक बार संशोधन किया गया है, 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत संशोधित किया गया। इसके जरिए इसमें तीन शब्द जोड़े गए, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़े गए। ठीक है, और इस संशोधन को मतलब वैध ठहराया गया कि यह संशोधन जो था प्रस्तावना को क्या करती थी, मजबूती देती थी, क्या करती थी, मजबूती देती थी, कमजोर नहीं किया गया। ठीक है, आप बोलेंगे भाई साहब प्रस्तावना में एक शब्द को गायब करना चाहते हैं, तो राजनीतिक न्याय को गायब करना चाहते हैं, ठीक है, तो क्या कर सकता है, क्या विधायिका को शक्ति है राजनीतिक न्याय जैसे शब्द को प्रस्तावना से रातों रात गायब कर देने का, ठीक है नहीं कर सकते क्योंकि प्रस्तावना चीन की सरकार नहीं है, ठीक है, से रातों रात लोग गायब हो जाता है, किसी भी शब्द को प्रस्तावना से आप गायब नहीं कर सकते। ठीक है, बशर्ते इसमें राजनीतिक, आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक न्याय है ना, इसमें और भी कुछ जोड़ दे, धार्मिक न्याय, धार्मिक न्याय तो हो ही नहीं सकता, कुछ और शामिल कर दे, तो आप शामिल कर सकते हैं लेकिन उसके शब्दों को उसे गायब नहीं कर सकते। ठीक है, ध्यान में इसको रखना है। ठीक है, अब बात करेंगे यहीं पे आपका क्या होता है, चैप्टर समाप्त होता है। अगला चैप्टर हमारा क्या, संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र जो कि यूनियन एंड इट्स टेरिटरी है। ठीक है, आई होप आपको प्रस्तावना समझ गया होगा, भविष्य में किसी भी तरह की प्रस्तावना से किसी भी फैक्ट को लेके दिक्कत नहीं होगा। एग्जाम में क्या प्रश्न पूछा जाते हैं, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय कितने प्रकार के है, स्वतंत्रता कितने प्रकार के है, ठीक है, ये सारे प्रश्न आपसे प्रस्तावना से पूछे जाते रहे। ठीक है, आपसे ये भी प्रश्न पूछा जाता है, प्रस्तावना के संघ को बताइए, प्रस्तावना के बारे में लोगों का मतलब क्या है, नहीं है, ठीक है, प्रस्तावना में कितना बार संशोधन हुआ है, क्या प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है, बेरुवारी संघ का मामला कब आया था 1960 में, 1973 में क्या बातें कही गई। ठीक है, एलआईसी ऑफ इंडिया बनाम एलआईसी ऑफ इंडिया केस, कब का केस था, कब का कहता है एलआईसी ऑफ इंडिया, 1995 वेरी गुड, बहुत सुंदर, 1995 का केस था। ठीक है, इन सारे फैक्ट को आपको याद रखना है। ठीक है, बात करेंगे भारतीय, ठीक है, बात करें अल्लादी, किस अल्लादी, क्या नाम था, अल्लादी साहब ने, ठीक है, प्रस्तावना को किसके साथ कंपेरिजन किया है, किसके साथ कंपेरिजन किया है, अरे किसके साथ किया कंपैरिजन संविधान की प्रस्तावना, सॉरी एक है, मिनट, क्या 1 मिनट, अल्लादी मुजफ्फरपुर दोनों घोषणा के साथ किया है या फिर अमेरिका के घोषणा पत्र के साथ उसका कंपैरिजन किया है, अमेरिका के अमेरिका घोषणा के घोषणा पत्र के साथ कंपटीशन उसका क्या किया है, कंपैरिजन किया है। ठीक है, अनसेट बाकर की बात करें, अनसेट बाकर ने, ठीक है, किसकी भूरी भूरी प्रशंसा की है, ठीक है, संविधान वाले को बुद्धिजीवी कह के परिचय पर बुद्धिजीवी कह के सूचित किसे किया, प्रस्तावना को जो लिखने वाले उनको, ठीक है, क्या नाम था, ब्रिटिश का अनसेट बारकर। ठीक है, तो ये सब फैक्ट आपको पूछा जाता है, इसको आप लोग क्या करेंगे एक बार देख लेंगे ताकि चीजें आपको याद रहे। ठीक है, संविधान का आत्मा कह के प्रस्तावना को किसने संबोधित किया है, कौन, भागो भागो ठाकुर दास ठाकुर भार्गव, क्या नाम है उनका, ठाकुर दास भार्गव साहब ने, ठीक है ध्यान में रखेंगे। ठीक है, अल्लादी के स्वामी अय्यर के शब्दों में संविधान प्रस्ताव दीर्घकालीन सपनों का मतलब क्या है, विचार है। ठीक है, हमारी संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य का भविष्य पल है, मुंशी साहब ने, ठीक है,
ठाकुरदास भार्गव साहब ने क्या कहा, संविधान की आत्मा कहा है, संविधान का आभूषण कहा है, ठीक है। यह उचित स्थान है जहां कोई भी संविधान का मूल्यांकन किया। 68 बार ने संविधान के राजनीतिक बुद्धिजीवी कहकर संबोधित किया, कुंजी नोट में उन्होंने कहा है, ठीक है। सारे चीज बता दिए फिर भी आपको याद नहीं है। उनकी पुस्तक प्रिंसिपल्स ऑफ द सोशल एंड पोलिटिकल थ्योरी कब आई थी, 1991 में आई थी, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। हिदायतुल्ला साहब ने क्या कहा, इसे कहा कि प्रस्तावना अमेरिका के स्वतंत्रता की घोषणा के समान है। सॉरी, हिदायतुल्ला साहब ने किया था मिस्टेक, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। तो सारे फैक्ट को आपको क्या रखने हैं, ध्यान में रखने। संविधान, संविधान का अंग प्रस्तावना है, किस केस में कहा गया संविधान का अंग प्रस्तावना है, 1960 डंटा नहीं, कहा है, 73 डंटा 1973 में, में, ठीक है। कब कहा गया था, 1973 में कहा गया, ठीक है, हाँ, भारतीय 1973 में, केस वाला केस में, भारतीय मामला में सर। बिल्कुल, इसको संविधान का हिस्सा माना गया था, ठीक है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। 1960 वाला में बेरुवारी संघ के मामला में, ठीक है, इसको संविधान का हिस्सा नहीं माना था, इसलिए बोला था भाई साहब संसद इसमें संशोधन भी नहीं कर सकती है, ठीक है। लेकिन 1973 वाला संविधान का हिस्सा माना, इसलिए संशोधन कर सकते हैं, लेकिन इसके मूल चीजों को, मूल ढांचा में संशोधन नहीं कर सकती है, ठीक है। इस चीजों का जस्टिफाई 1995 का उच्चतम न्यायालय व्यवसायिक प्रस्तावना संविधान की आंतरिक हिस्सा है। 1995 में LIC ऑफ इंडिया केस में भी इन चीजों को मतलब क्या किया गया था, मान लिया गया था, ठीक है। चलेंगे मित्रों, इसी के साथ आपका क्या होता है, चैप्टर भी क्या होता है, समाप्त होता है, ठीक है। इसको थोड़ा आप लोग इसको देख लीजिएगा, ठीक है, ध्यान रखेंगे। भारत संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य कब बनता है, 1945 में ही बन जाता है, याद रखिएगा। कुछ कुछ इंपॉर्टेंट है, ठीक इसमें करवा दूंगा कल। कल हम लोग क्या करेंगे, हिस्ट्री नहीं पढ़ेंगे, ठीक है, संघ इसका क्षेत्र ही खत्म करेगा, 5 लेसन इसमें समाप्त करेंगे, ठीक है। तो कल से शुरू करेंगे, 2-3 दिन में ये चीजें आपकी समाप्त हो जाएगी, ठीक है, समझ गए, कोई दिक्कत। नो सर।